जैसा कि अभी आपने देखा कुछ इस तरह का स्टेटस अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना होगा। और यहाँ पे क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं, सारा इफेक्ट वगैरह आपको शुरू से लेकर बताऊँगा काइनमास्टर एप्लीकेशन में। चलिए मैं आप पैक आ जाता हूँ। सबसे पहले आपको जो है मैंने काइनमास्टर को अपग्रेड किया, आपने नहीं किया तो अभी तक कर लीजिए। और यहाँ पर क्रिएट नाउ पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको रेशियो सेलेक्ट करना होगा। चलिए रेशियो मेरा सेलेक्ट है, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना होगा। चलिए बैकग्राउंड में यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। चलिए बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया। सबसे पहले लेयर पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वर्ड लिखना है जो वर्ड आपको प्ले करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कमिंग सून। मैं एग्जांपल में फर्स्ट आपको दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा क्या क्या करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते, बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सेटिंग ऑप्शन इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे एडिटिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको फिल स्क्रीन पर क्लिक करना है और इसको आपको 0.5 कर देना। अभी इससे होगा ये, आप जो भी टैक्स लिखेंगे वो 0.5 में ही रहेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे 0.5 एक बार सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कट लगा देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, टिक पे क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पे आपको डबल ए पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इस वाले का फॉन्ट जो सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद इसको एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पर वाइट कलर का ये दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक कलर देना है, तो चलिए मैं यहाँ पर कलर ये वाला रख लेता हूँ। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करना है और नीचे आना है, यहाँ पर ग्लो इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह से मेरा पहला पार्ट हो चुका है। इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको यहाँ पे देख नहीं रखिए, ये सब फ़ोटो में रखना है। उसके बाद यहाँ पर क्लियर पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये वाला जो इफेक्ट है, ये वाला इफेक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको फर्स्ट वाला प्ले करके दिखा देता हूँ। पर मैंने पूरा वैसे टेम्पलेट बना रखा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहला सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह से देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको जो जो बना रखा है मैंने टेम्पलेट वो दिखाता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप, यहाँ पर नीचे आएँगे, इसको मैं थोड़ा जूम कर ले यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैंने सारे टेक्स्ट पहले लिख लिया अलग अलग कलर में कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे ओवर रियल एनिमेशन में आपको देख सकते हैं क्या डाल रखा मैंने, स्क्वायर सेटिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो ऐड कर लेना 0.5 पर रेशियो में। और यहाँ पे ओवर एनिमेशन यहाँ पर देख सकते हैं ड्रॉप डाल देना, ठीक है। आप कुछ इस तरह से छोटा छोटा करके यहाँ पे जो है ड्रॉप डाल सकते हैं, एनिमेशन में आपको ड्रॉप ही डालना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, नीचे यहाँ पर आपको एक सॉन्ग डाल देना आपको जो पसंद हो। तो मैं यहाँ पर बहुत मुश्किल से ढूंढ के लिया, नो कॉपीराइट साउंड है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला ग्रीन इफेक्ट, यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे मीडिया पे जाना है और कुछ इस तरह से यहाँ पे मेरे पास एक ग्रीन इफेक्ट है, ये देखिए ये वाला ग्रीन इफेक्ट है, इसको यहाँ पे क्लिक करना है, फुल स्क्रीन कर देना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे क्लिक करना है, इसका साउंड म्यूट कर देता हूँ फिलहाल मैं, फिर से इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन एक मिल जाएगा ब्लीडिंग का, इसको नीचे ले कर जाना, स्क्रीन पर कर देना है। उसके बाद दिखाता हूँ इससे होगा कि ये जो इफेक्ट है स्क्रीन के सेट हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे स्क्रीन ही करेंगे तो सिर्फ ये दिखेगा, बैकग्राउंड का फ़ोटो नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, इफेक्ट वगैरह आप जो है गूगल से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक छोटा सा जो है नो कॉपीराइट वीडियोज़ है डांस वाला, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ये गूगल से डाउनलोड किया, ये भी नो कॉपीराइट साउंड है। तो कुछ इस तरह से मैंने आपके टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पे जो है पहले से यहाँ पे सेट कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.5 में टैक्स सेलेक्ट करना, पहले जो यहाँ पे टैक्स दिख रहा है ये सारा टैक्स आप लिख लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए और कुछ इस तरह से यहाँ पर गाना सेट करके और यहाँ पर शेयर पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप जो भी क्वालिटी में चाहते हो यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सेविंग होना स्टार्ट हो गया।